दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी लेकर आए हैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश के अंतर्गत यूटीडी एडमिशन 2021-22 का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो आप अगर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। यहाँ पे हम आपको जानकारी देने वाले हैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल एडमिशन पोर्टल जो यहाँ पे चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं यूटीडी एडमिशन 2021-22 यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जिसमें आपको पूरी नोटिफिकेशन, एडमिशन फीस डिटेल, एडमिशन प्रोसेस, कोर्स डिटेल, इसके साथ साथ आपको जो है आवेदन कहाँ से और कैसे करना है इसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल यूनिवर्सिटी का जो होम पेज है उसे ओपन किया हुआ है। आप डायरेक्ट ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, नीचे लिंक दी गई है। यहाँ पहुँचने के बाद हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले यहाँ कौन कौन से कोर्स आप प्रवेश ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके बाद ग्रेजुएशन, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स, यहाँ पे चार टाइप के कोर्स हैं। सबसे पहले पीजी कोर्स में आप एमए, एमकॉम, एमए एमएससी, एमटेक, एमसीए, एलएलएम, एमएससी और एमएफएससी, एमबीए, एमपीबी, एमपीईएड, इसके बाद एमएससी, एमएससी टेक, एमए, एमफार्म। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्स हैं वो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक आदि। इसके बाद ग्रेजुएशन कोर्स, ग्रेजुएशन यानी स्नातक, स्नातक में बीए, बीकॉम, बीई यानी इंजीनियरिंग, बीए, एलएलबी, बीएससी, बीपीएड और बीफार्म। इसके साथ यहाँ पे जो डिप्लोमा कोर्स हैं वो यहाँ पे अलग दिए गए हैं, आप जो है पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है अपना कोर्स देख सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल यूटीडी से करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जर्नल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो यहाँ पे ₹300 है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो ₹150 यहाँ पे है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो यहाँ पे 25 जुलाई 2021 से स्टार्ट होंगे, तो 25 जुलाई 2021 से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 14 अगस्त 2021 तक आप आवेदन कर पाएंगे। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट बेस पर होगा, आपका सिलेक्शन मेरिट बेस पर यहाँ पे किया जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन फीस डिटेल, एडमिशन प्रोसेस। तो हम एडमिशन प्रोसेस के जो ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाता है। यहाँ पे पूरी समय सारणी दी गई है कि किस डेट में आपको क्या करना है, किस डेट में आपकी जो है यहाँ पे मैट सूची जारी की जाएगी। तो पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी सत्र 2021-22। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है और दस्तावेजों का सत्यापन कराने की जो डेट है वो 25/7/2021 से 14/8/2021 तक है, यानी 25/7/2021 से 14/8/2021 14 अगस्त 2021 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट सत्यापन करा सकते हैं। इसके बाद आपकी जो प्रथम मेरिट लिस्ट है और कट ऑफ लिस्ट है वो 19/8/2021 को जारी की जाएगी। 20/8/2021 से 25/8/2021 तक आप प्रवेश ले पाएंगे एवं भुगतान कर पाएंगे, फीस भुगतान कर पाएंगे। इसके साथ साथ द्वितीय चरण की जो लिस्ट है वो आपकी 29/8/2021 को जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद आप 30/8 से 4/9/2021 तक जो है प्रवेश ले सकते हैं, कॉलेज फीस का भुगतान कर पाएंगे। इसके बाद जो है एलसी, सीएलसी राउंड यहाँ पे यानी संस्था स्तर पर जो काउंसलिंग होती है वो यहाँ पर कराई जाएगी, जिसमें नवीन आवेदक जो जिन्होंने पहले आवेदन नहीं कर पाए हैं वो नवीन आवेदन कर पाएंगे और जो चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं वो चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो 10/9/2021 से 15/9/2021 तक आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे और सीएलसी चरण की मैट सूची जो है 17/9/2021 से 25/9/2021 को जारी कर दी जाएगी और आप 17/9/2021 से 25/9/2021 तक प्रवेश ले पाएंगे। तो यहाँ पे
समस्त जानकारी जो समय सारणी है वो हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको, तो आप BU यूनिवर्सिटी यानी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए आप एडमिशन पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगी। वहां से डायरेक्ट ही आप यहां पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर फॉर्म खुल के आ जाएगा। जैसे ही इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होते हैं तो इसका आपको एक वीडियो और मिल जाएगा।